नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। हर रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी और हमारी बीच जानकारी बढ़ती है। और इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 6 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिससे इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 6 नवंबर यानी आज के ही दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। संजीव ने अपने फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया था और जबरदस्त फिल्में दी। बता दें कि संजीव कुमार ने शादी नहीं की थी और उन्होंने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी। हम हिंदुस्तानी संजीव कुमार की पहली फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 6 नवंबर सन 1980 ईस्वी को अमेरिका के दास प्रथा विरोधी वकील अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। इतिहास उन्हें अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद करता है जिन्होंने अमेरिका को गृह युद्ध से नहीं निकाला, बल्कि ऐसा बदलाव किया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उनका पारिवारिक जीवन बहुत खराब था। बता दें कि लिंकन को जीवन में जितना सम्मान मिला, उनकी पत्नी मैरी टॉड को उतनी ही लालची और खुदगर्ज के रूप में याद किया गया। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ मंडेला की लड़ाई को भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गांधी की लड़ाई के बराबर दर्जा प्राप्त है। बता दें कि महात्मा गांधी रंगभेद के सख्त विरोधी थे।